तो गुड़ की बात एक बार फिर से कह के मैं अपनी बात खत्म करूं, और सुशील हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं कि 7 अक्टूबर का जो हमला है, एक बार फिर से ये बता दें कि हमास को भारत जो है आतंकी संगठन भारत ने घोषित नहीं किया है, लेकिन जो हमला 7 अक्टूबर का हो किया गया और जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों का कत्ल किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ बिल्कुल एक नृशंस व्यवहार जो है वो किया गया, वो किसी कोई उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा सकता। हालांकि ये बात सही है कि फिलिस्तीन का अपना एक कॉज रहा है और उसके लिए दुनिया के अलग अलग देश जो है आवाज उठाते रहे हैं, भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि फिलिस्तीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या 7 अक्टूबर जैसे हमले की जरूरत है, या फिर उसको लेजिटिमेट तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, जिसको कि भारत जैसा देश जो है अलग अलग मंचों पे उठाता भी रहा है, दो राष्ट्र समाधान की बात जो है वो करता रहा है। सुशील जी ओवर टू यू। शुक्रिया उमा। तो भारत का हमेशा से पक्ष रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर पश्चिम एशिया का तनाव हो, ईरान हमास का युद्ध हो, कि भारत शांति के पक्ष में है। भारत किसी के पक्ष में नहीं है, किसी एक के पक्ष में नहीं है, शांति के पक्ष में है। और ये बात करता रहा है भारत, और भारत की तमाम जो कोशिशें हैं कूटनीतिक, चाहे भारत में सरकार कोई भी रही हो, हमेशा इसी पक्ष की रही है कि शांति को सबसे पहले जगह दी जाए, शांति को सबसे पहले तवज्जो दी जाए। इसके बावजूद दुनिया के कई इलाकों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं जो उनके रीजनल जियोपॉलिटिक्स की वजह से हैं, और पश्चिम एशिया भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे उमाशंकर हमारे सहयोगी जो हैं वो बता रहे थे, और भारत की कूटनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पिछले काफ़ी समय से ये जो आज हुआ है इसकी भूमिका बनती जा रही थी। अभी कुछ ही देर पहले ईरान की मिलिट्री ने एक संदेश दिया है जिसमें उन्होंने कहा है हसन नसरुल्ला की तस्वीर लगाते हुए कि हमने आपके सम्मान में धरती हिला दी। यानी ईरान ने जो ये हमला किया वो हसन नसरल्ला की मौत के बाद उसके इंतकाम के तौर पर, उसके बदले के तौर पर किया। और ये बात खुद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमैनी, उन्होंने कही थी, और उसके बाद ये हुआ है। तो क्या उमा ये माना जाए कि जो ईरान ने कहा था वो कर दिया? और फिर वही सवाल कि इस बार भी ईरान ने अमेरिका को बताया, हो सकता है वो न बताता। बताने का मतलब ये होगा कि ये एक मेजर्ड एस्केलेशन है, यानी कि आपने कुछ तय किया कि इसी दूरी तक हमें करना है और इस तरह से करना है, वो कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये हम मान सकते हैं कहीं कोई गुंजाइश? मैं बार बार उस गुंजाइश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मानव समूह है, लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे युद्ध हो। कहीं कोई गुंजाइश बचती है कि ये बहुत आगे न बढ़े? ये देखिए, अव्वल तो इस बात की तस्दीक अमेरिका की तरफ से होनी बाकी है कि वाकई में ईरान ने जानकारी दी थी, क्योंकि ये जो जानकारी है ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो अगर जानकारी दी थी तो कितना पहले दिया था, और क्या उसके आधार पे इसराइल को इस बात को लेकर सचेत किया था अमेरिका ने किस तरह का हमला होने वाला है? हमने व्हाइट हाउस की तरफ से एक बात जरूर देखी कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ तैयार है, और जब तक ये जानकारी आई उसके कुछ ही घंटे के भीतर, या आप कह सकते हैं कि शायद एक घंटे के भीतर ही जो है ये हमला जो है वो हो गया। तो अव्वल तो बात यह है कि ईरान ने अगर ये जानकारी अमेरिका के साथ साझा की, जबकि उसको पता है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का बिल्कुल ही करीबी साझेदार है, और वो इस सूचना का इस्तेमाल इसराइल को सचेत करने के लिए भी कर सकता है। हालांकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमेशा सचेत अवस्था में ही रहता है, और यही वजह है कि जितने भी तरह के हमले होते हैं 90 या 95% या 99% तक इसराइल जो है उसको नाकाम करने में कामयाब रहता है। तो अमेरिका को ये जानकारी अगर दी गई तो अमेरिका की तरफ से तस्दीक होनी बाकी है, और क्या मंशा अगर ईरान की ये है कि अमेरिका उसी तरह का एक रोल प्ले करे जैसा कि अप्रैल के हमले के वक्त किया गया, और उसके बाद अमेरिका ने इसराइल का जो हमला हुआ वो माना गया कि इसराइल ने, इसराइल की तरफ से जानकारी है कि इसराइल ने उसकी जानकारी अमेरिका को दी थी, और उसके बाद जो है बात को रफा दफा करने की कोशिश हुई। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो हमला है इसका स्केल ज्यादा बड़ा है, और जैसा कि अमेरिका की तरफ से जो जानकारी है वो भी कहा गया है कि अप्रैल के हमले से दुगना बड़ी ताकत के साथ जो है ये हमला किया गया। अब ऐसे हमले के बाद इसराइल सिर्फ एक सांकेतिक हमला करके, जैसा कि उसने सेंट्रल ईरान में किया था अप्रैल के हमले के बाद,
वैसा करके मान जाएगा ये मुझे नहीं लगता, खासतौर पे इसराइल जैसे देश के लिए और व्यक्तिगत तौर पे पीएम नेतन्याहू के लिए, जिन्होंने अपनी छवि जो है एक बहुत ही स्ट्रांग मैन की बनाई है और अमेरिका जैसे देशों के दबाव को झेलते हुए भी वो न तो युद्ध विराम की शर्तों के लिए तैयार हुए जिन शर्तों पे अमेरिका चाहता था, और खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीन सूत्री जो एक फॉर्मूला सुझाया था जिसमें क्रमिक तरीके से सैनिकों की वापसी गाजा से वो शामिल है, लेकिन उसके बावजूद जो है नेतन्याहू नहीं माने और सवाल जो बाइडेन के रिट पे भी उठने लगा कि आखिरकार वो किस तरह के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनकी बात जो है वो नेतन्याहू नहीं सुन रहे, तो उस नेतन्याहू के लिए इस हमले को टालना, एक जवाबी कार्रवाई को टालना जो है उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए भी ठीक नहीं होगा। और जिस तरह से राइट विंग जो ताकत है उसके आधार पे उनकी सरकार वहां पे कायम है और जिसके एजेंडे पे वो चलते नजर आ रहे हैं, तो लगता नहीं कि वो सिर्फ एक सांकेतिक हमला या बहुत देर के बाद कोई हमला करेगा। मुझे लगता है कि जेस्चरिंग जो भी हो, लेकिन जो इसराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसराइल एक बहुत ताकत के साथ हमला करता नजर आएगा और अमेरिका भी उसमें उसका साथ देता, सैन्य तरीके से साथ देता नजर आएगा, जहां तक ईरान के भीतर उसके सैन्य सैन्य शक्ति को नष्ट करने की बात है उस मद्देनजर। जी उमा, जो आज की तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं।